भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों एक्टिव नजर आ रहा है। बीते दिनों शिक्षा विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारी व पटवारी रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अम्बाला के शहजादपुर थाना में तैनात एक महिला ASI व एक महिला हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की इंस्पेक्टर बिमला ने बताया कि विशाल नामक युवक ने शिकायत दी थी कि थाना शहजादपुर में ASI कुलविंदर कौर व हेड कांस्टेबल गीता ने उनसे जमीनी मामले में समझौता करवाने के नाम पर 20,000 रिश्वत की मांग की है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हेड कांस्टेबल गीता से रिश्वत के 10,000 रुपए बरामद कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब इन रिश्वतखोर महिला पुलिसकर्मियों को मेडिकल करवाने हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो मीडिया के कैमरों से अपने आप को बचाने के लिए भागती हुई नजर आई। दो महिला पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ मामला है? एक प्लाट के संबंध में शहजादपुर थाने में एक दरखास्त आई थी विशाल की, तो उसका उनका फैसला कराया था, उस संबंध में ये इन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। क्या कुछ इनके नाम है, क्या पोस्ट है? ASI कुलविंदर कौर और हेड कांस्टेबल गीता। रंगे हाथों पकड़े गए? गीता 10,000 रुपए में रंगे हाथों पकड़े गए। कितनी रिश्वत मांगी थी, क्या? 20,000 रुपए मांगे थे। 10,000 रुपए। प्लाट का किस तरह का फैसला, क्या? प्लाट का किसी का नाम किसी और के था, कब्जा किसी और का था, उसके संबंध में कब्जा दिलवा रहे थे? नहीं, कब्जा नहीं, उनका आपस में ही कम्प्रोमाइज हो गया था। तो फिलहाल शिकायतकर्ता कौन है, क्या? शिकायतकर्ता विशाल सिंह है, शहजादपुर माजरा से। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? अभी इनको गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आगे की जो भी जैसे भी आएगी सामने कार्रवाई आगे की जाएगी। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।